आप कुछ अर्जेंट मैटर पे डिस्कस करने आए थे? आ रहे हैं, मुद्दे पे आ रहे हैं। मिस मलिक, आपको जल्दी बड़ी रहती है। अरे आपके ऑफिसर है ना करिश्मा सिंह, उनके बारे में बात करनी थी। उनके बारे में क्या सर? उनकी शिकायत आई है कि आप उनके मामले में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रही हैं। नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे वो जो करना चाहती है करने दीजिए ना। सर देखिए, हमें उनके सर हमें उनके किसी की मदद करने से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये मामला सिर्फ एक सुपर टैलेंटेड लड़की का नहीं है, शायद किडनैपिंग का है। एक मिनट सर, सर ये देखिए, क्या ये बच्ची किसी भी एंकल से इस राजकुमार की बेटी लगती है? क्या मिस मलिक, आपकी ऑफिसर करिश्मा सिंह किसी गरीब की मदद करने की कोशिश कर रही हैं, तो आप इसमें एक नया एंगल जोड़कर इस केस को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना चाहती हैं? सर बात कॉम्प्लिकेटेड की नहीं है, बात एक बच्ची की जिंदगी की है। अब मेरा ये ऑर्डर समझिए, मशवरा, आप इस केस में टांग नहीं अड़ाएंगी। जी सर। पुष्पा जी, कुआं नहीं है। मैया कसम सर, हम अपने हाथों से कोफ्ते बनाकर लेके आए थे आज। दिख रहा है कोफ्तों के अवशेष हैं, किंतु कोफ्ते नहीं है। समझ गए, ये सब उस करिश्मा मैडम का किया धरा है, ऐसे ही करती है वो। और आज तो हमने बोला भी था उन्हें कि ये टिफिन हम डीएसपी सर के लिए लेके जा रहे हैं, मगर देखिए ये करिश्मा सिंह ने किया है। और नहीं तो क्या, कितने मन से आपके लिए लेकर आए थे ये कोफ्ते सर। हाँ तो मिस मलिक, आप क्या कह रही थी? हम सर कह तो आप रहे थे। अच्छा तो हम क्या कह रहे थे? कि हम करिश्मा सिंह के काम में टांग ना अड़ाएं। तो टांग अड़ाइए ना, जहाँ गलत है वहां तफ्तीश कीजिए। गलत करने वाला तो गलत होता ही है, गलत बर्दाश्त करने वाला भी गलत होता है, जहाँ गलत होता है वहां पे टांग अड़ाइए। सर लेकिन अभी तो आप गलत कह रही हैं, टांग अड़ाइए। यस सर। मजा आ गया। वेलकम टू लखनऊ आइडल, लखनऊ का अपना सिंगिंग कॉम्पिटिशन। राधा देखो, ये तुम्हारे लिए ना बहुत बढ़िया वाला मौका है, बहुत बड़ा मंच है ये। अगर तुम्हारा यहाँ सिलेक्शन होता है ना, तो तुम्हें कामयाबी का आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दिल से और अच्छे से गाना और अपना पूरा प्रतिभा झोंक देना इसमें। क्षमा कीजिए मैडम। मैडम हम जैसे हैं जहां हैं खुश हैं, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना। एक मिनट, झमेला बोला भी आपने? जी। आप टोपा हैं क्या? मतलब इतना सुनहरा मौका है, इसको आप झमेला बोल रहे हैं? आपको पता है पूरा जिंदगी आपका बदल सकता है ये मौका? मैडम जिंदगी रहेगी तो बदलेगी ना, पुलिस से दुश्मनी लेके कौन जी पाया है। हाँ। नहीं मैडम नहीं। एक मिनट, आप क्या बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम तो खुद आपका मदद कर रहे हैं आके। अरे मैडम जी, हम आपका बात नहीं कर रहे हैं, वो आपका थाना में दूसरी मैडम है ना, क्या नाम है, हसीना मैडम। अरे वो हमारा जीना हराम कर देगी अगर हम आपका बात मानेंगे तो। मतलब हम समझ नहीं रहे हैं। अरे वो आपकी हसीना मैडम जो है ना, वो हमको सवाल पर सवाल करके हमारा जीना दुश्वार कर दिया है, सच कह रहे हैं। अरे अरे आप बताइए ना, कुछ बोलिए ना। नौकरी कहाँ करते हो, कितने सालों से शहर में हो? मैडम इतने सवाल पूछती है, ऐसे लगता है कि हमारे परिवार ने कोई अपराध कर दिया हो। आप ही बताइए मैडम, इस शहर में एक इंसान के हम दो वक्त की चैन से रोटी नहीं खा सकता है क्या? हमें तो लगता है मैडम कि गरीब होना ही आपके कानून की नजर में अपराध है। ना भैया ना, हमें नहीं चाहिए ऐसी तरक्की जो हमारे जी का जंजाल बन सके। ना ना, चल बेटा चल। सर हमारे को जाना है, जीतना है ये शो, हमें बड़ा कलाकार बनना है। बापू हमको जाने दीजिए प्लीज। राधा बेटिया,
हमारा यहाँ कुछ नहीं होगा है। चलो चलो, जिद मत करो, चलो बेटा चलो, चलो नहीं नहीं चलो चलो। तो मैडम सर पे नजर रखोगे? मैडम सर पे? जी हाँ, मैडम सर पर नजर रखो। अगर उन्होंने फिर से राधा के माँ बाप से पूछताछ की तो तुम हमें सूचना दोगे तुरंत। अभी तो किसी भी तरह हम समझा बुझा लेंगे, लेकिन अगर फिर से मैडम सर ने राधा के माँ बाप से पूछताछ किया ना, तो ये राजकुमार इसको इस कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लेने देगा। फालतू में इस बच्ची का फ्यूचर चौपट हो जाएगा, जो हम किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। समझ गए मैडम। हाँ तो फिर कटो। जी मैडम। हेलो हेलो मैडम सर, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, इधर से बोल रहा है बिल्लू दस पाए। मैं अभी राजकुमार के घर के बाहर खड़ा हूँ, आगे क्या करना है बताओ। तुम्हें बिना किसी के पता चले घर में घुसना है और घर की तलाशी लेनी है, क्लियर? ओके। एक सेकंड मैडम सर, बिल्लू के पास सर्च वारंट नहीं, वो ऐसे कैसे तलाशी लेगा? ऐदी बिल्लू, तुम्हें घर के अंदर घुस के ऐसा कोई सबूत ढूंढना है जिससे हम ये साबित कर सकें कि राधा राजकुमार की असली बेटी नहीं है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? समझ गया, बिल्कुल अच्छे तरह से समझ गया। कोई ना बच पाए जिसके पीछे पड़ जाए बिल्लू दस पाए, समझिए हो गया। आह हो गया। मगर उसके लिए तुम्हें घर के अंदर जाना पड़ेगा ना, बाहर खड़े खड़े तो कुछ नहीं होगा, घर के अंदर जाओ जल्दी। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ बिल्लू? एक कॉल 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 आ रहा है। बिल्लू जिसका भी कॉल आया बोलो, बाद में कॉल बैक करोगे? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? पुष्पा जी नेचर कॉल है, नहीं बोल सकता। मैं अभी दो मिनट में जाके आता हूँ। बिल्लू टाइम नहीं है अभी, बिल्कुल भी। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा घर के अंदर घुसने का, सब कुछ छोड़ के घर में जाओ। मैडम सर मुझे जाने दो, मैं फटाक से जाता हूँ, फटाक से आता हूँ। प्लीज प्लीज, बहुत जोर से आया है। बिल्लू जाओ। थैंक यू मैडम, हल्का होके आता हूँ। घर के अंदर जाओ। जाता हूँ जाता हूँ। हेलो करिश्मा मैडम, एक करारा खबर है। जो बिल्लू है ना, बिल्लू, हाँ चोरवा चोरवा, मैडम अभी ना वो अंदर गया है, लगता है कोई खुफिया मिशन तो है ही, अभी चोरी चोरी अंदर घुसा है मैडम। हाँ मैडम ठीक है। गिर गया? बिल्लू सब ठीक है ना? तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? हाँ, दिखा दिखा मैडम दिखा। क्या? बाथरूम। बिल्लू सबूत ढूंढो। मैडम सर दो मिनट में हो क्या आता, दो मिनट में। बिल्लू सबूत। हाँ हाँ सबूत ढूंढता हूँ। मैडम सर चिल्लाइए मत, प्रेशर और बढ़ रहा है। ढूंढता ढूंढता सबूत ढूंढता। हम अंदर कमरे में जा रहे हैं। मैडम सर मैं अलमारी में बैठा हूँ चुपके, कोई इधर ही आ रहा है। मैं पकड़ा जाऊंगा।
हत्या दावी है थारी अम्मा, पर अब हम घर वापस लौटकर कभी आऊंगो नहीं, कभी नहीं आएंगे। मैडम सर ये तो राधा बिटिया, मैडम सर मैं अलमारी में लॉक हो गया हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे राधा बेटिया तुम यहाँ हो है, सारा घर छान मारे हैं, देखो तुम्हारे लिए हलवा बनाया है, लो खाओ। मम्मी मुझे भी दो ना हलवा। तुमको देंगे बाद में, पहले राधा दीदी खा ले। हैं कुछ दीदी को ही मिलता है। अरे हाँ समझो हमारा बात, ये हलवा जो है वो राधा दीदी को खाने दो है। नहीं ओके बात तो ये घर पैसा हलवा का चॉकलेट भी तुम्हारा है, जाओ खेलो जाओ। अरे राधा बेटिया तुम ये कोने में काहे बैठी हो रूठ के, अरे देखो तो तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, तुम्हारा मन पसंद सूजी का हलवा, वो भी शुद्ध देसी घी में। हाँ। चलो चलो मुंह खोलो खाओ खाओ। नहीं खाना। अरे काहे नहीं खाना बेटिया, इतना प्यार से तुम्हारे लिए जो बनाए, आओ खा लो। मारे को हलवा नहीं खाना, मन ने लखनऊ आइडल जाना है बापू, भेज दो ना। बापू बोल रहा था, मिन्नती कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे जाने दो मुझे जाने दो मुझे जाने दो, लेकिन आपने मुझे जाने नहीं दिया। अब अनर्थ हो जाएगा अलमारी में ही। बिल्लू बिल्लू तुम शांत रहो, हम तुम्हें वहां से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल जरा चुप रहो, हमें उनकी बातें सुनने दो। मैडम सर फोन गया 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 गया। हेलो हेलो बिल्लू, हेलो क्या हो गया? लगता है बिल्लू के फोन की बैटरी खत्म हो गई, हमें इसे किसी भी कीमत पर वहां से निकालना होगा। चलिए हम अच्छे से समझ सकते हैं थारा डर, जो ही डर है ना आप लोगों को कि अगर मैं टीवी पर आ गई तुम्हारे असली माँ और बापू को मारा पता चल जाएगा, यही डर सता रहा है ना आपको। कोई चिंता कोनी, कह देंगे कि आप दोनों ही मारे असली माँ और बापू को और कोनी, इतना भरोसा तो आप कर ही सकते हो ना हमारे पर। हम कहीं नहीं जाएंगे आप लोगों को छोड़कर, बस हमें लखनऊ आइडल में गाना गाने दो और इनाम भी तो कितना बड़ा मिलेगा ना, अगर हम जीतेंगे तो हमें पूरे 1 करोड़ मिलेंगे। राधा बेटिया तुम तो नहीं बाहर जाओ, हम आते हैं जाओ। अरे नीलम 1 करोड़ रुपए। अरे कई 1 करोड़ रुपए कह रहे हैं, अरे वो पुलिस वालों का क्या करेंगे, वो सोचा है का? अरे वो की टेंशन तुम मत लो। अरे हाँ वो के लिए हुए है ना करिश्मा मैडम, अरे देखे हैं हम दोनों को, फुल नोटिस किए हैं, दोनों मैडम का आपस में बिल्कुल नहीं बनता। अरे करिश्मा मैडम को ये कतई पसंद नहीं कि हसीना मैडम उनके काम में टांग आए। बस इसी चीज का फायदा उठाएंगे हम, फिरवा देंगे दोनों को, फिर उनका टशन और अपना जशन। अरे वादा ले लेंगे करिश्मा मैडम से कि हसीना मैडम को हमसे दूर रखें। बस फिर एक बार पैसा हाथ में आ गया तो हम इस शहर से। अरे लेकिन अन्नू के बापू वो राधा का क्या करेंगे? तेरे की तुम ना कभी कभी बकलोल जैसी बातें कर देती हो, अरे इस राधा को क्या उम्र भर अपने साथ रखेंगे? एक बार करोड़ रुपया हाथ में आ गया तो उसको छोड़ देंगे यहीं पे, नहीं तो हमेशा के लिए गायब कर देंगे। अरे टंटाई खत्म। कैसे कैसे लोग है ये, बच्चे के साथ ऐसा कर रहे। वाह अन्नू के बापू, अरे इसी बात पे मुंह मीठा करो, का दिमाग पाए हो। अरे नहीं नहीं हम नहीं, आप हमारे लिए तो बनाए हो, खाओ खाओ। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। आप बहुत तूफान की तरफ बाइक चलाती हैं, लेकिन आगे बोलोगे? मैडम बिल्लू द स्पाई जो है अंदर ही गया है और अभी भी अंदर ही है वो। बहुत बढ़िया काम किया, अब देखो कैसे हम मैडम सर का घुसपैठ सबके सामने लाते हैं, उस बिल्लू द स्पाई को पकड़ के ना मैडम सर के सामने ला के रख देंगे, फिर देखते हैं वो अपनी सफाई में क्या कहती हैं।
बहुत होशियार समझती है अपने आप को, अब हम उनको बताते हैं कि हमसे होशियार कोई नहीं है यहाँ पर। चलो हम जाते हैं अंदर। मैडम मैडम, हम बहुत अच्छा काम किए हैं ना। हाँ मैडम, हमारा सस्पेंशन कैंसिल करवा दीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक है, परसों करा देते हैं। ठीक है मैडम। वैसे मैडम 2 ही दिन का सस्पेंशन है। अच्छा, हम आते हैं अंदर से। ऑल द बेस्ट मैडम। हाँ ठीक है, याद रखना सब लोग, हमें बहाने से घर के अंदर घुसना है और बिल्लू को बचाना है। क्लियर? जी मैडम। yes, चलिए मैडम, अब आप इतना कह ही रही हैं तो ठीक है, राधा को भेज देते हैं लखनऊ आइडल में। पर मैडम आपसे एक विनती थी। जी। वो हसीना मैडम से और उनके प्रकोप से आप हमें बचा लीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए, राधा और उसके सपनों के बीच में हसीना मैडम तो क्या कोई भी नहीं आ पाएगा। पक्का ना मैडम? है हसीना मैडम हमको परेशान तो नहीं ना करेगी? हम आप भी क्या बात कर रही हैं, पूरा दुनिया जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। राधा ये शो जरूर करेगी और जीतेगी भी, हमें इसकी प्रतिभा पे ना पूरा भरोसा है। अब बेटा बिल्लू तुम्हारी बारी, पकड़ेंगे तुम्हें रंगे हाथ। पता है तुम दोनों को देख के ना हमें हमारा बचपन याद आ जाता है। तुम्हारा उम्र में ना हम छुपन छुपाई खेला करते थे। तुम दोनों खेलोगे हमारे साथ छुपन छुपाई? हाँ दीदी, छुपन छुपाई खेलते बहुत मजा आएगा। ये हुआ ना बात, हम भी खेलेंगे छुपन छुपाई। अरे आप सब हमें ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं? हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर चलते हैं। इतनी होनहार बच्ची है, उसकी हौसला अफजाई तो होनी चाहिए ना। ये लो तुम्हारे गिफ्ट्स। थैंक यू। थैंक यू। यू आर वेलकम। हाँ दीदी, छुपन छुपाई खेलते बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल खेलते हैं, तो चलिए शुरू करें फिर। सबसे पहले डेन कौन देगा? अकड़ बकड़ कर लेते हैं मैडम सर। मैं करती हूँ। अकड़ बकड़ बम्बे पो, 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अरे मैडम सर। हम अच्छा चलिए ठीक है शुरू करते हैं। चलिए चलिए आप लोग जाकर छुपिए, हम गिनना शुरू करते हैं। हाँ तो हमें कहाँ छुपना है बताओ तो। 3, 4 अम्मा कहाँ छुपे हो तुम बिल्ले? 5, 6, 7, 8, 9, 10 करिश्मा सिंह, आप पकड़ी गई, हमने आपको देख लिया। अनु पकड़ी गई। और राधा भी पकड़ी गई। आ जाओ बाहर आ जाओ, अब तो आप सब तो पकड़े गए लेकिन फिर भी कोई तो बाकी है ना। और पकड़े गए। आइए आइए, दिख गए आप दोनों हमें। अरे हम तो पकड़े गए। चलिए जाइए जाइए, अब आपकी बारी। जाइए जाइए, हमें छुपना भी है। जाइए जाइए।
वन चलो 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 थ्री फोर। कहाँ हो बिल्लू? अरे अरे ये क्या कर देखो क्या है ना कि हम सब अगर एक साथ एक जगह पर छुपेंगे तो साथ में पकड़े जाएंगे ना, इसलिए कहीं और जाकर छुपो। इस कमरे को छोड़कर कहीं भी और छुपो। जी मैडम, चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ। चलो चलो चलो। बिल्लू तुम जिंदा हो? मैडम सर मैं तो भूत बन गया हूँ। ये तो और भी अच्छा है, फिर खुद ही बाहर आ जाओ। मैडम सर मजाक कर रही हैं आप। शुरू किसने किया? सॉरी सॉरी सर, मैडम सर मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। आओ आओ उतरो 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 आराम से। पकड़े गए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।